हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हो सुबह सुबह से मैं भी तैयार हो गया हूँ और आज कल बाहर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ब्लॉग आएगा। और अभी अगर चैनल पर कोई न्यू आया तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, फिर ब्लॉग देखा करना पूरा पूरा, ठीक है। सो अभी फिलहाल मैं भी तैयार हो गया हूँ और कमल भी तैयार हो गया है। देखो ये तैयार हो गया है। अब तो समझ ही गए होंगे कि किस लिए जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग मतलब रिश्ता देखने के लिए, हम लोग रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। और इधर दीदी का हो रहा है बर्तन मांजना, ये देखो। बिट्टू तन्नु चले गए स्कूल। पता है जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना तो आशीर्वाद लेके जाते हैं घर से। मम्मी की खुशी देखो, बस मम्मी कितना खुश हो जाती है। ले हेलमेट दो, ये हेलमेट भी रख लेते, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। ये थोड़ा लेट हो रहे, अब डायरेक्ट मामा क्या निकलते हैं। अभी क्या हुआ देखो, केप पहनी हुई थी मैंने तो केप उड़कर कहाँ चली गई। अभी कमल लेके आ रहा, मैंने सोचा सुबह सुबह से कहाँ हेलमेट पहनो, अभी इसको केप को पकड़ हेलमेट दे दे। अब आ गए हम लोग जामली मामा के यहाँ और अब ये रिपीट होता जा रहा होगा। आपने देखा होगा जब भी हम आते कहीं जाते तो पहले मामा के यहाँ आते, तो वैसे ही रिपीट होते जा रहा है। तो आप बोर मत होना, इंटरेस्टिंग आने वाला है आगे, ठीक है। कमल केशवी को खिला रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है बट आ नहीं रही है। केशवी केशवी ये ले लिया इसने। और केचवी इधर देखो केचवी उधर। हाय बोलो केचवी हाय। अरे इधर देख, इधर मैं आ जाता हूँ। अब हंसी नानिया के मजे देखो। आपको याद है इसने ना पिछली बार मुझे बैठने को नहीं बोला था। बोला है ये सुनो, आप क्या चाहते हो, ये जब मुझे बैठने के लिए बोले तभी मैं बैठू। ये कौन? नहीं सर, अरे दो तीन कमेंट है। तो टॉपिक मिल गया था ना इसको, बैठने को नहीं बोला मुझे, यहाँ बैठना। नहीं यार भैया, तुम पहले बैठे था ये बैठे थे, अभी शूट करने के लिए। अभी देखो कमल को भी बैठने को नहीं पूछा, देखो खड़ा है, देखो ये। चलो चलो बैठो। नहीं कितना बड़ा है। हाँ ठंडी तो बहुत लग रही है, मतलब उतनी ज्यादा ठंड नहीं है, बाइक से आएंगे तो ठंड तो लगेगी ना। हाय गाइस, तो हम स्कूल जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज हमारा स्पोर्ट्स डे है और आज तारीख पता नहीं क्या है। तो आज हम पूरा दिन खेलेंगे और ये भाई साहब जो है ये आज बैग लेके जा रहा है, देख सकते हो। ये मेरा दोस्त एटा में पढ़ता है, ये भी नहीं बैग लेके जा रहा है। तो गाइस इसको पता नहीं पड़ा को भाई को क्या हो चुका है। अरे देखो तो इतना भी नहीं पता है कि आज तारीख क्या है, आज 10 तारीख है। यहाँ देखो ये नाम मत लो, अभी ठंडी लग रही, सब धूप में आ गए। केशवी भी आ गई, ठंडी लग रही तो केशवी भी आ गई। हसो आज, अरे हंसी छोरी हंस दी। हैं आपको पता है अभी जो भी हो रहा है, मतलब हम लोग जैसे रिश्ता वगैरह देखने के लिए जा रहे हैं ना, तो सारी बातें यही मतलब करवाता है। ईमानदारी से बोल, कॉल किसका आया था सुबह से? तो सब कुछ यही मतलब डिसाइड कर रहा है कि हमको कहाँ जाना है, किसके लिए मतलब रिश्ता देखना है। अभी देखो हेलमेट वगैरह सब पहन लिया है नानू। बाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक बाइक उधर है दूसरी ये रही है। अभी हम लोग देवली आ गए हैं और अभी पता मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था, उसके बावजूद तो मेरी आँख में ना कचरा चला गया था। अभी देखो रेड रेड हो गई होगी। और अभी जितने भी देख रहे हैं ना ये सब सब्सक्राइबर है। कब से वेट कर रहे हैं? आधे घंटे से। देखो इनका ना प्रेयर चल रहा था, वो छोड़कर आया है मिलने के लिए। क्या नाम है आप लोगों का, बताओ एक एक करके। मेरा नाम तनिष्क। आपका? आपका? विधान। आपका? लोके। और आपका? विनय सावले। अच्छा अभी हम आए भैया के घर आए,
वो पिछली बार भी आया था ना हम लोग यहाँ पर। ये भैया है जो कि खुद गाने लिख लेता है ना, वो सारे इसने गाने लिखे हुए। ठीक है, अगर तू समंदर में किनारा पास तेरे आ न सकूं, तेरी बातें याद आए तुझको मैं बतला न सकूं, तू समंदर में किनारा पास तेरे आ न सकूं, तेरी बातें याद आए तुझको मैं बतला न सकूं। भाई पढ़ाई वढ़ाई करता है कि क्या करता? नहीं पढ़ाई करता था लेकिन छोड़ दी मैंने, टेंथ तक ही कर। टेंथ तक ही करी है ना, फिर काम करने के लिए लग गए है ना। देखो कितना टैलेंट है आजकल, मतलब देखो बच्चे बच्चों में टैलेंट है। कुंदन ये लाइन गा के बता, ये भी गा लेता है, बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन मम्मतपुर गांव आए हुए, बाइक वगैरह रखी हुई है, जिस गांव गए थे ना वहां से तो आ गए अभी। देखो रोड पर अचानक कितने सारे भेड़े आ गए। लोग फिर से एक जगह गए थे, क्या हुआ और क्या नहीं ये सब आपको जब हम लोग घर जाएंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, और भी घर से भी खाना खा के नहीं आए थे और अब लग गई है भूख, तो अभी बना रही है मनु उधर खाना। तो इधर भैया के लिए खाना बन रहा है और मनु खाने में बना क्या है? 5 रुपए से हो लग रहे भूख। और नानू चल रहे साथ में? चलो देखते हैं। है? इसको मुझे ले जाना है साथ में घर, क्योंकि मुझे बनाने रहती है रील्स, मतलब 6-7 दिन के लिए वापस आ जाएगा। थोड़ी रील्स मेरी इकट्ठी कर लूंगा 100-150, उसके बाद वापस आ जाएगा। और अभी जैसे भूख लग गई नहीं तो खाना भी बनना शुरू हो गया। अब क्या बन रहा है मैं दिखाता हूँ। ठीक है मानू, क्या बन रहा है? सेव। क्योंकि सबको पता है मुझे क्या पसंद है, सेव की सब्जी पसंद है तो वही बना ले। कहाँ है सेव? कहाँ है? बन गई तो ये देखो सेव की सब्जी बन गई है ये, और अभी ये रोटियां बन रही है, पराठे बना रहे। लेकिन यहाँ आता हूँ ना तो ये पराठे खाने के लिए मिलते नहीं नहीं बना के देते घर। अभी सभी के सभी देखो यहाँ पर बैठे हुए इधर उधर मुंह करके। हाय गाइस, तो आज हम लोग हमारा स्पोर्ट्स डे मना के आ चुके हैं। वैसे तो आज गिरते पड़ते क्रिकेट खेला, आपको क्या ही बताएं। तो ये भैया खाना खाने लगे हैं, और भैया खाना कैसा लग रहा है पहले बताओ? बहुत टेस्टी। सही में एक बात बताऊं? हाँ, मनु ने नमक नहीं डाला सेव में। और भैया आपको कैसा लग रहा है? अभी रुक जा, नमक रखे नमक ये हर बार ऐसी हर बार नहीं ना, कई दिन खा रही किसी दिन नमक ज्यादा डाल देते, किसी दिन डालती नहीं भाई, पेट भरे जाएंगे नमक डाकते नाकते नाकते। मजा आया, मजा आया। तो अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इधर देखो ये बड़े मामा मिर्ची उठा रहे। ये खेत की निकली ना? हाँ, मामा के खेत की है। और ये सिस्टर बेचारे से बहुत काम करवा रहे हैं। जा रहे हैं घाटे में जा रहे हैं ना, इस बार फसल अच्छी नहीं गई। हाँ सही, अभी सभी के सभी यहाँ पर खड़े हैं। और मैंने जैसे बताया ना कि नैना को भी ले जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि रील्स बनाते हैं ना उसमें जरूरत पड़ती है इस वजह से। बाय 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 बाय, डायरेक्ट जाते घर के लिए। जस्ट हम लोग घर आए, देखो कितना अंधेरा हो गया ये, और ये तन्नू तो नैना के पास ही बैठ गए। क्या कितनी दूर गए? आप बताओ कहाँ गए? तो गाइस आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी, जैसे कि मैं काफी बार मैंने आप लोगों की कमेंट नोटिस करे हुए। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, मतलब पूछते रहते हैं कि पहले तो यही बताइए कि आप में से बड़ा कौन है। वैसे तो मैं काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन जैसे न्यू सब्सक्राइबर आते रहते हैं ना तो उनको पता नहीं रहता है। तो बड़ा मैं हूँ कमल से, ठीक है, और मुझसे बड़ी है दीदी, और दीदी से बड़े थे हमारे बड़े भैया बिट्टू तन्नू के पापा, जो कि हमारे बीच नहीं है। गलत फहमी ये भी हो रही है कि मतलब
पहले अगर अगर मैं बड़ा हूँ तो आप कमल के लिए रिश्ता क्यों देख रहे हो? तो गाइस आप काफी लोग कहते रहते हैं कि जो बड़ा है वो उसकी शादी क्यों नहीं करते और छोटे वाले के लिए क्यों लड़की देखा करते हैं, तो उसका रीजन ये भी है गाइस कि उसका रीजन एक चीज है कि मैं हालांकि मैं बड़ी हूँ घर में, पर वो संतोष लड़का है कि नहीं तो उसकी जिम्मेदारी है कि पहले छोटे वाला भाई का घर बसा दूं, उसके बाद में मेरा सोचूंगा नहीं। अब बड़ा बाप कहे तो भाई कहे तो बड़ा भी यही है, तो इसको पहले उसकी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, मतलब पहले कमल की शादी करना पड़ेगी, उसके बाद में अपने लिए सोचेगा वो। इसलिए गाइस हम पहले कमल की लिए लड़की देख रहे हैं और संतोष के लिए अभी कुछ दिनों में जाने वाले हैं संतोष के लिए भी देखने के लिए। बस एक आपसे विनती है गाइस कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्यों कि आपके सपोर्ट और प्यार के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम शादी इतनी बड़ी कर पाएंगे। क्यों कि आप लोगों को पता है कि शादी में बहुत सा खर्चा आएगा, और वैसे भी आएगा जरूर खर्चा, पर अगर आप लोगों का साथ मिला नहीं गाइस तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं क्या बात है दीदी ने यार, दिल खुश कर दिया। और आपको तो पता है कि शादी ऐसे ही नहीं हो जाती कि हम रिश्ता देखने गए वो आए और बात पक्की हो गई, ऐसी नहीं होती है। एक दूसरे के बारे में जानना पड़ता है, मुझे अपने लिए तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो जिस भी लड़की से मेरी शादी होगी वो लड़की मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जो फैमिली को लेकर ही चले। इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही इंसान को अपने लिए चुनना, और इसमें मुझे टाइम तो लगेगा। अभी देखो ऐसा है, हम दो भाई कभी अलग होने वाले नहीं है, ठीक है। और शादी के बाद आपको पता है कैसी कैसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ये सब भी करना पड़ता है, बट हम चाहते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसे इंसान आए जो ये चीज ना करे, फैमिली को लेकर चले। देखो थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर फैमिली में होती है, लेकिन वो मतलब दरार वाली बात नहीं आनी चाहिए कि चलो अब रिश्ता तोड़ ये हो जाए वो हो जाए। जब तक मैं हूँ मेरी फैमिली के साथ, तब तक तो मैं कभी अलग होना नहीं चाहता हूँ। मैं इन सबको लेकर ही चलना चाहता हूँ, और जो मेरे लाइफ में आएगा वो इंसान की सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि फैमिली को लेकर ही साथ में चले, क्योंकि फैमिली के बिना तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, तो मेरे लिए भी ऐसा है कि ढूंढने वाले रिश्ता मेरे लिए भी होगी, मेरी भी शादी होगी, इसकी भी होगी, बट पहले कमल की शादी होगी ऐसा है। और मेरे लिए भी कुछ दिनों में रिश्ता देखने जाने वाले हैं, सब आपको आगे वैसे पता चलते रहेगा। और अब मेरी भी शादी होगी, हाँ तो होगी, पर वो दोनों के साथ में भी हो जाएगी, पर सामान कौन लाएगा? क्या दूल्हा बने रहेगा संतोष, और काम करेगा इधर उधर दौड़ेगा? मुझे ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, भैया पापा रहते तो कोई ना पहले मेरी ही शादी होती, बट वो नहीं है। और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कमल के लिए नहीं है, बिट्टू तन्नु मम्मी दीदी सबके लिए, और पूरी ईमानदारी से निभा भी रहा हूँ। और जैसे दीदी ने बताया ना कि ये सब आप लोगों के साथ के बिना मुमकिन नहीं है, तो आप अपना प्यार देना, सपोर्ट करना, और जो जो भी अभी चैनल पर न्यू है फट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और इस ब्लॉग को ना शेयर भी किया करो ताकि थोड़ा व्यूज आ सके, ठीक है। और भाई फटाफट कर लेते इस ब्लॉग का एंड, और इस ब्लॉग का एंड करेगा कमल। बहुत कैसा कर रहे ब्लॉग का एंड? तो गाइस कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।